जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो स्तुति माँ कामाख्या की, महाकाली की, महालक्ष्मी की, मैं जो शुरू में बोलता हूं, वह बहुत से साधक मनुष्यों को याद हो गया। यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, यानी कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैंने यदि उनके जिह्वा पर भगवती का नाम कंठस्थ करा दिया, यानी कि मैंने अपना इस जीवन जीने का लक्ष्य पूरा कर लिया। मैं आनंदित हूं कि बहुत से साधक साधिकाओं के द्वारा यह स्तुति कंठस्थ भी कर ली गई है। मां भगवती के चरणों में उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा कि भगवती उनको बहुत जल्दी अपनी कृपा बरसाए। कामाख्यवर्दे देवी नीलपर्तवासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम फिट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली भद्रकाली के शत्रु संहारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमत्तस्यै नमो नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रें ओम ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुव स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनान मत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो भी मनुष्य इन स्तुतियों का, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी कामाख्या मां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ज्वाला मां, इनका नाम रोजाना लेता हो या सुनता हो, तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, मैं मां से प्रार्थना भी करता हूं कि उन सब लोगों को आप कृपा अवश्य बरसाएं, उनको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सद्बुद्धि भी दे कि वो ऐसे ही सही रास्ते पर चलते रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले चल रहे हैं, रत्न के ऊपर हम आपको बता रहे हैं।
तो ग्रहों और रत्नों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, बहुत गहरा और बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसा ग्रह आता है वैसा हमें प्रभावित करता है। हम तो केवल एक कठपुतली है, कठपुतली जो ऊपर वाला जैसा ग्रह का समय आ जाता है वैसा हम चलने लगते हैं, वैसा हमारा मस्तिष्क बन जाता है, वैसे हमारी सोच बन जाती, क्योंकि हमारा शरीर जो है 70% पानी से भरा हुआ है। इस शरीर में जितना वजन है उतना उसमें 70% पानी है, और पानी के 7 कलर होते हैं, और ये पानी जो है सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है, सभी ग्रह से प्रभावित होता है, क्योंकि पानी में 7 कलर से मिलकर के पानी बना हुआ है। तो ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर अवश्य पड़ता है। कभी कोई राहु खराब आ गया, कभी केतु खराब आ गया, कभी सूर्य खराब आ गया, कभी चंद्रमा हो गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सब ग्रह हैं। जैसा ग्रह का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है वैसा मनुष्य बन जाता है, वैसा उसको बीमारी लगती है और वैसी उसकी मृत्यु होती है। अब जैसे उदाहरण लेकर के चलते हैं कि चंद्रमा जल को प्रभावित करता है, यह तो हर कोई व्यक्ति जानता है, क्योंकि चंद्रमा जल का प्रतीक बोला गया है, शांत प्रतीक है, और ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के कारण ही आते हैं। आप समुद्र के किनारे रहते हैं या नहीं हो तो आप चले जाइए एक बार अमावस्या पूर्णिमा को, तो पता लग जाएगा। तो मानव शरीर में 70% जब जल है और चंद्रमा द्वारा मनुष्य के शरीर को मन को मस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ज्वार भाटा आता है, तो जिनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है उनको मानसिक रूप से विक्षिप्तता के रोग लगते हैं, और पूरे लक्षण जो है चांदनी रात में और अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अधिकांशतः यह रिसर्च किया गया है कि अधिकांशतः मनुष्य आत्महत्या जो करता है वो पूर्ण चंद्रमासी के दिन करता है, यानी चंद्रमा के एक दिन पहले, चतुर्दशी के दिन या पूर्णमासी के दिन या पूर्णमासी के एक दिन बाद, क्योंकि आत्महत्या करने के पीछे भी चंद्रमा का कारण होता है। तो जिन जिन मनुष्य का चंद्रमा कमजोर है उनके मन में सुसाइड करने की इच्छा होती है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, जिसका चंद्रमा कमजोर है वो चंद्रमा को मजबूत करे, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उन्हें चांदी का चेन पहनना चाहिए, चांदी के घड़े पहनना चाहिए, और रात को दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब दूसरे ग्रह हो गए जैसे मंगल बुध गुरु शुक्र, ये हमें दिखते बहुत छोटे हैं क्योंकि दूर बहुत हैं, परंतु उनका प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, परिस्थिति पर पड़ता है, और जब भी हमारा जो ग्रह आता है वैसे हम बन जाते हैं, वैसे लक्षण होने लगते हैं। आप लोगों सब टीवी भी देखते हो, नेट भी सर्च करते हो, सब लोगों को मालूम है कि 9 ग्रह होते हैं, 7 तो वार हो गए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और 2 राहु केतु होते हैं। और ये जो 7 ग्रह हैं ये तो आकाश मंडल पे दिखते भी हैं, पर राहु केतु नहीं दिखता है। तो राहु केतु जो है छाया ग्रह बोले गए हैं। तो मनुष्य के जब वो पैदा होता है उस समय पे जो ग्रह जिस हालत में होता है उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ता है। कोई ग्रह शुभ ग्रह होता है, कोई अशुभ ग्रह होता है, कोई पापी ग्रह होता है, कोई नीच का होता है, कोई अपनी राशि में उच्च का होता है, कोई बलवान होता है तो कोई बाल अवस्था में होता है, कोई वृद्धावस्था में होता है, कोई वक्री अवस्था में होता है। हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो यदि किसी घर में शुभ ग्रह बैठा हो तो उस घर का फल अच्छा होगा, और यदि पाप ग्रह बैठा तो उस घर का फल बुरा होगा, यह हमेशा ध्यान रखो। और यदि एक घर में शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह बैठे तो फल आधा दो अपने हिसाब से, जब भी समय आएगा तब अच्छे समय पे अच्छा फल मिलेगा, बुरे समय पे बुरा फल मिलेगा। और यदि एक शुभ ग्रह और 2 पाप ग्रह बैठ गए
तो फल बुरा ही होगा, क्योंकि पाप ग्रह ज्यादा बैठे उनका प्रभाव ज्यादा होगा। इसी तरीके से आपको समझना है। और ये ग्रह जो जहां बैठ जाते हैं वहां तो असर देते ही देते हैं, और ये किसी को आमने सामने से देखते भी हैं, उसका भी फल मिलता है। यदि कोई पाप ग्रह किसी घर विशेष का स्वामी है या उसे देख रहा है तो उसका फल बुरा होगा। पाप ग्रह ने देख लिया, मतलब पाप ग्रह यदि किसी को देख ले तो उसका फल भी बुरा हो जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं बेसिकली कि आपको रत्न कब पहनना चाहिए, किस समय पहनना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और रत्नों को अधिकांशतः जो पुरानी परंपरा रही है कि अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। ईश्वर ने आपको सीधा हाथ दिया है, उसके अंदर पांच उंगलियां होती है, इन पांचों उंगलियों में रत्नों को धारण किया जाता है, और कई बार जड़ी बूटी भी धारण करते हैं। तो रत्नों में आकर्षण भी होता है, और वैज्ञानिक आधार है कि रत्न के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से वह ऊर्जा जो अदृश्य ऊर्जा आ रही है वह ऊर्जा शरीर में पहुंचाई जाती है। उंगली में बहुत छोटी छोटी नाड़ियां होती है जिनका संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है, इसीलिए इनके मूल में धातु में रत्न जड़ा करके अंगूठी पहनी जाती है, और वो नग जो पहना जाता है वो शरीर से टच होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो अलग अलग उंगली का अलग अलग महत्व होता है, ये भी आपको किसी ज्योतिषाचार्य से ही पूछना पड़ेगा। सौर मंडल से जो सात ग्रह दिखाई देते हैं उनसे अलग अलग अदृश्य किरणें आ रही है, अलग अलग कलर की। उदाहरण के लिए ले लो कि सूर्य की किरणें जो आ रही है, हम सब देखते हैं सूर्य की किरणें आती हैं, ये किरणें हमें देखने में सफेद जरूर लगती है, लेकिन इस सूर्य की किरणों में सात कलर होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब सूर्य उगता है और उसके आगे यदि पानी गिरता रहता है, या फिर ये कह लीजिए कि उसके आगे बादल आ जाता है कई बार, तो हमें आसमान पर एक धनुष दिखाई देता है जो सात कलर का होता है। उसमें सात कलर में आसमानी, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी, ये सब दिखाई देता है। तो ये कलर क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे का कारण है कि जल में सात कलर होते हैं, और मनुष्य शरीर में 70% कलर पानी है, और पानी में भी सात कलर होते हैं, इसलिए ये जो रंग होते हैं, ये कह लीजिए ये अलग अलग रंग की जो किरणें प्राप्त हो रही अलग अलग ग्रहों से, ये अपने शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए मनुष्य को ये जरूर पता करवा ले किसी ज्योतिषाचार्य से कि कौन से ग्रह का हमें अंगूठी धारण करना चाहिए, और इसको धारण करने से क्या होगा, ये अवश्य चेक कर लें, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे सूर्य जो है उसके लिए सोना पहनना चाहिए या तांबा पहनना चाहिए, और सूर्य जिसका है उसको माणिक रत्न धारण करना चाहिए और सूर्योदय के समय पे करना चाहिए, चंद्रमा के लिए चांदी धारण करना चाहिए, और रत्न धारण करना हो तो मोती धारण करना चाहिए चांदी में, और यह भी सूर्योदय के समय पे ही करना चाहिए। मंगल ग्रह के लिए सोना धारण करना चाहिए, और मूंगा रत्न होता है वो धारण करना चाहिए सूर्यास्त के समय पे। बुध के लिए कांसा या सोना में धारण करना चाहिए, पन्ना रत्न धारण कर सकते हो, और यह किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि सूर्य के साथ में ही रहता है। बृहस्पति यानी गुरु चांदी पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं दोपहर के समय पे,
शुक्र जो है चांदी में धारण कर सकते हैं हीरे को दोपहर के समय पे, शनि सीसा नीलम धारण करना चाहिए, सीसे की बना के रात्रि के समय पे करना चाहिए, और राहु जो है पंच धातु होना चाहिए या लोहा होना चाहिए, गोमेद धारण कर लो, और केतु भी जो है पंच धातु का होना चाहिए, लोहा में होना चाहिए, और लहसुन या धारण कर सकते हैं रात्रि के वक्त में, यानी राहु केतु जो है रात्रि के वक्त में धारण करना चाहिए। अब रत्न धारण जो है जैसा कि मैंने बताया लग्न के हिसाब से चलता है, मेष लग्न है तो उसके लिए मूंगा धारण करना चाहिए, वृष लग्न वालों को हीरा धारण करना चाहिए, मिथुन लग्न वालों को पन्ना धारण करना चाहिए, कर्क लग्न वाले को मोती हमेशा धारण करके रखना चाहिए, सिंह लग्न वालों को माणिक धारण करके रखना चाहिए, कन्या लग्न वाले को पन्ना धारण करके रखना चाहिए, तुला लग्न वाले को हीरा धारण करके रखना चाहिए, वृश्चिक लग्न वाले को मूंगा, धनु लग्न वाले को पुखराज, मकर लग्न वाले को नीलम और कुंभ लग्न वाले को नीलम और मीन लग्न वाले को पुखराज हमेशा ताज जिंदगी धारण करके ही रखना चाहिए ताकि जिंदगी भर वो रत्न आपको फायदा देता रहेगा, आपकी उन्नति करता रहेगा। अब मनुष्य को रत्न धारण करना ही करना चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं। बीमारी दुखी से बचना है तो भी रत्न धारण करना चाहिए। रत्नों के बारे में बहुत से पुराणों में भी हमारे यहाँ उल्लिखित है, बहुत से राजा महाराजा जो रत्न उनको सूट करता था वो रत्न अपने मुकुट में लगा करके सिर पर रखा करते थे, और राजा महाराजा रत्नों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे और अपने हाथों में वो अंगूठियां भी धारण करते थे। तो ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए आप रत्नों का धारण करना चाहिए। जो ग्रह उच्च का है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब अलग अलग रत्न के लिए अलग अलग लग्न वालों को अलग अलग रत्न धारण करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं कि ये लग्न में बैठा हो तो ये रत्न धारण करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी बहुत सी जगह लिखा हुआ है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा रत्न आपको धारण करना ही नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि कन्या लग्न है तो कन्या लग्न वालों को कभी भी माणिक धारण करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, और यदि वो माणिक धारण कर लेगा तो मान के चले उसको हानि ही हानि होने लग जाएगी। कन्या लग्न वालों को मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए पूरी जिंदगी भर, चाहे कितनी ही खराब से खराब परेशानी आ जाए उसे मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, और कन्या लग्न वाले को यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो तो नीलम का दान करके नीलम को पहनना भी चाहिए। कन्या लग्न वाले को अपना भाग्य उदय करने के लिए पन्ना रत्न या हीरा 6.25 रत्ती का धारण करना चाहिए। यदि कन्या लग्न वाला मनुष्य बीमार ज्यादा रहता हो तो उसे पन्ना धारण करना ही करना चाहिए, और कन्या लग्न वाले के पास यदि पैसा नहीं हो तो उसे हमेशा स्थाई लक्ष्मी के लिए पन्ना या हीरा धारण करके रखना चाहिए, और कम से कम 5.25 रत्ती का धारण करना चाहिए। ऐसे अलग अलग लग्न के बारे में अलग अलग विचारधारा भी है और अलग अलग नियम भी है, तो यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से पत्रिका चेक करा लें और उसमें जो लग्न लिखा होगा उसके हिसाब से अपना भाग्य रत्न अवश्य धारण करके रखें, और साथ में कोई रत्न वो रत्न धारण करें जो ग्रह खराब हो, जो ग्रह कमजोर हो उस ग्रह का रत्न अवश्य धारण करना ही करना चाहिए।
जैसे धनु लग्न वाला है तो धनु लग्न वाले को अपने भाग्य की उन्नति के लिए माणिक रत्न अवश्य धारण करना ही करना चाहिए, उसे उतारना ही नहीं चाहिए माणिक रत्न। और माणिक रत्न नहीं हो तो सोना धारण करके रखे। इसी प्रकार से जैसे माणिक रत्न सूर्य का रत्न है, तो यदि किसी का सूर्य किसी शुभ भाव में स्वामी हो तो उसके लिए माणिक रत्न करना बहुत शुभ होगा, क्योंकि वो शुभ ही शुभ करेगा। यदि हम दूसरा लगन ले लें, एक अंदाजन तुला लगन ले लेते हैं, तो तुला लगन के एकादश भाव का स्वामी सूर्य होता है। लग्नेश सूर्य का शत्रु होगा, इसलिए तुला लग्न वाले मनुष्य को सूर्य की महादशा में माणिक्य धारण करना सौभाग्यवर्धन होगा, केवल केवल सूर्य की महादशा में ही, उसके बाद में धारण नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे अलग अलग रत्न हैं, कब धारण करना चाहिए, किस समय पे धारण करना चाहिए, ये सब अपने ज्योतिषाचार्य से पूछें। और यदि आप कुंडली चेक करवाना चाहते हो रत्नों के बारे में विशेष तौर से पिछले जन्म के कर के बारे में, तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047, 7649862712, और तीसरा व्हाट्सएप नंबर है 7987237885। इन सब नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपनी चाहे तो कुंडली चेक करवा सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और रत्न धारण करें तो किस समय पर धारण करें, और कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, और धारण करने के पहले उसकी क्या प्रक्रिया होती, कैसे धारण करें, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए धारण करते समय, और ऐसे ही जो नव ग्रह हैं उन नव ग्रह के यंत्र भी हैं। आप चाहें तो देवराधा ट्रस्ट से नव ग्रह के अलग अलग यंत्र हैं, उन यंत्रों को पूजा करवा करके आप मंगवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी पूजा कर सकते हो तो आपको पूजा करके दिया जा सकता है। ये भी कार्य आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से देवराधा ट्रस्ट से संदेश देकर के नव रत्न से संबंधित, नव रत्न का मतलब है कि सूर्य का रत्न, सूर्य का यंत्र, चंद्रमा का यंत्र, मंगल का यंत्र, बुध का यंत्र, गुरु का यंत्र, शुक्र का यंत्र, शनि का यंत्र, राहु का यंत्र और केतु का यंत्र, इन सबका यंत्र आप देवराधा ट्रस्ट से ऑर्डर देकर के मंगवा सकते हो। नंबर हमने आपको पहले बता ही दिए हैं। माँ भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आपके भाग्य में यदि कहीं अड़चने आ रही हो, यदि आपके मकान बनने में कहीं अड़चने आ रही हो, यदि आपके विद्या में कहीं अड़चने उत्पन्न हो रही हो, यदि आपकी बीमारी की वजह से अड़चने उत्पन्न हो रही हो, यदि विवाह होने के बाद में बच्चे उत्पन्न होने में तकलीफ हो रही हो, तो आप रत्नों को धारण करके इन समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि रत्नों के माध्यम से जो आकाश मंडल से किरणें आ रही है, वो किरणें यदि आपके शरीर में कम आ रही है तो रत्नों के माध्यम से वो किरणें प्रॉपर आपके शरीर में पहुंचाई जा सकती है। एक जल थेरेपी होती उसके माध्यम से भी पहुंचाई जा सकती है, और रत्नों के माध्यम से भी पहुंचाई जा सकती है, जड़ी बूटी के माध्यम से भी पहुंचाई जा सकती है। तो कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता है, जिसको हम लाइलाज बीमारी कहते हैं, उस लाइलाज बीमारी का इलाज रत्न के माध्यम से हो सकता है और जड़ी बूटियों के माध्यम से हो सकता है। कभी कभी कोई बीमारी ऐसी भी होती है जो तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा की वजह से होती है, और ये तंत्र मंत्र काला जादू भी इसलिए लगता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी की हाय ली हो, बद्दुआ ली हो, तो इसका रिफ्लेक्शन पत्रिका में दिखाई देता है। तो आप चाहें
तो अपनी पत्रिका चेक करवा सकते हैं कि बीमारी क्यों लगी, किस वजह से बीमारी लगी, ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से बीमारी लगी हुई है। तो आप यह चीज भी देवराधा ट्रस्ट से अपनी, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की या माता पिता की, जिसके भी बारे में आप पूछना चाहते हो, आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके पत्रिका बनवा सकते हैं। पत्रिका बनाने की हमारी कुछ दक्षिणा है, वो दक्षिणा आपको जमा करना होगी, उसके बाद में ही आपको पत्रिका बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सी वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।